वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार महा धमाका, महा घोषणा, महा ऐलान सरकार ने कर दिया है। साथियों, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहर वालों के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आप सभी को पता होगा। दोस्तों, अब उसमें एक और बड़ा महा धमाका कर दिया है सरकार ने, नोटिस जारी कर दिया है कि इन सभी को फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम जिसकी भी इनकम है और इन सभी से बिलोंग करता है, इन सभी को सीधा फार्म भरे, सीधा मकान और प्लाट देने का हम काम करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसमें से नहीं हैं तो आपके आसपास, आपके गांव में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी यार दोस्ती में, और आप स्वयं अगर उसमें से हो तो आप जरूर वो फॉर्म भरें और अपना जो है उनको जरूर आप उसे बताएं, ताकि साथियों ये जो है आप नेक काम के लिए आप इसे ज़रूर करें। दोस्तों, इसीलिए हमने इसमें महा धमाका, महा घोषणा लिखा है। घुमंतु जाति के परिवार जो भी है उन सभी परिवारों के लिए महा ऐलान, विशेष प्रावधान सरकार ने कर दिया है। सीधा कह दिया है घुमंतु जाति वालों से कि ये जो भी है इनको सीधा हम मकान देंगे, ये सिर्फ फार्म भर दें, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल पर फार्म भर दें, सीधा मकान देंगे। अगर आपके शहर में, आपके आसपास यदि आप घुमंतु जाति से हैं तो भाइयों बहनों इनको जरूर आप बताना, क्योंकि ये घुमंतु जातियाँ होती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पलायन करती रहती हैं, इनका ना कोई स्थायी ठिकाना होता है, ना पक्का मकान होता है। साथियों, बहुत ज़्यादा बुरी हालत इनकी होती है। तो भाई, नेक कर्म हमेशा कहीं ना कहीं आड़े आते हैं, आप ये नेक कर्म के लिए भी आप ये सूचना जरूर आगे तक पहुंचाएं, और अगर आप खुद हैं तो आप इसका लाभ उठाएं। इनके आवेदकों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मकान देने का ऐलान सरकार ने कर दिया। बस इनका फॉर्म भरवा दो तू, मकान सीधा देंगे इनको। बाकी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अन्य सभी के लिए भी शहर वालों के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके लिए भरे जा रहे हैं। अब उसमें ऐसा होगा, मान लो अभी तक 2,00,000-2,50,000 फॉर्म भर गए, उसमें से 2,50,000 में से 50,000 को दे दिए, उनमें सबको नहीं देंगे। अब ग्रामीण के जब निकलेंगे, अब अगर आगे ग्रामीणों के फॉर्म भरे जाएंगे, मेरे साथ बने रहना, जुड़े रहना। जैसे ही ग्रामीण के फॉर्म भरे जाएंगे मकानों के, आपको मैं बताऊंगा, वो फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। तो उसमें मान लो 10,00,000 फॉर्म आ गए ग्रामीणों के मकानों के, तो उसमें से सरकार ने दे दिए 1,00,000 मकान, यानी 10 में से एक। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो जिसका है उन सभी को ये मकान दिए जाएंगे। फैमिली आईडी उसके पास होनी चाहिए, इनकम 1,80,000 तक होनी चाहिए, और घुमंतु जाति के लिए कानून हरियाणा सरकार ने बना रखा है कि घुमंतु जाति की फैमिली आईडी में 1,80,000 से ऊपर अधिकारी नहीं कर सकते, क्योंकि घुमंतु जातियों के पास होता नहीं है। तो साथियों, ये आपको जो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों का निवासी होना चाहिए, लाभार्थी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम शहरी क्षेत्र में कोई भी पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए, इनके नाम वैसे ही नहीं होते। 19 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है, नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इनका फॉर्म, मैं आपसे अपील करता हूं भाई बहनों, चैनल सब्सक्राइब करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन भाई बहनों को आपको ये लाभ जरूर दिलवाना है। तो साथियों, फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। इनके लिए महा ऐलान, महा धमाका, महा घोषणा हरियाणा सरकार ने की है।